हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली और आज मैं बनाने जा रही हूँ भुने हुए चने, वो भी घर पे दो इंग्रेडिएंट के साथ बिना रेत और बालू के। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। भुने हुए चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है 1 कप नमक, और यहाँ पर मैंने ले लिया हुआ है चने, काले वाले चने जिसे मैंने भिगोया वगैरह कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज है। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया हुआ है एक एल्युमिनियम की कढ़ाई। ये कढ़ाई देखने से थोड़ी सी जली हुई लग रही होगी क्योंकि मैंने इसमें केक बनाया था तो थोड़ा सा जल गया है। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये नमक, तो नमक को थोड़ा सा फैला देती हूँ कढ़ाई में जिससे ये गर्म हो जाए, और गैस का फ्लेम मैं तेज करके नमक को गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा होगा कि नमक का कलर चेंज हो गया है, यानी नमक पूरी तरीके से गर्म हो गई है, और हाथ लगा के भी पता चलता है कि बहुत तेज से हीट आ रही है हाथ पर, तो नमक गर्म हो गई है। तो अब चने में से थोड़े थोड़े चने लीजिए, एक मुट्ठी भर के चने, और इसमें डालिए, लगातार चलाइए तब ये फूटेगी। ये देख सकते हैं कुछ ही सेकेंड बाद ये फूटने लगी है। जब तक ये पूरी तरीके से सारी ना फूट जाए तब तक आप इसे चलाते रहें। गैस का फ्लेम अभी भी तेज है, मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम लो नहीं किया है, इसे तेज फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे चने फूट गए हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ। नमक को झाड़ लीजिए, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मुट्ठी के करीब चना। इसे भी इसी तरह लगातार चला रही हूँ जिससे ये फूटने लगेगी। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सारी फूट रही हैं। तो बस सभी चनों को इसी तरह हमें भून लेना है। बस ये देखिए सभी चने फूट गए हैं और बहुत टाइम भी नहीं लगा है। इसे झाड़ लीजिए, नमक एक्स्ट्रा नमक। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी चनों को भून के तैयार कर लिया हुआ है। बनाते समय बस एक बात का ध्यान रखें, जब नमक अच्छे से गर्म हो जाए तब आप इसमें थोड़े थोड़े ही चने डालिए, और लगातार चलाते हुए इसे कुछ सेकंड बाद निकाल लीजिए जब ये फूटने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये जल भी जाएगी। तो जैसे ये फूटने लगे थोड़ा सा और चला के फिर तुरंत ही निकाल लीजिए, तो आपका भुना हुआ चना तैयार हो जाएगा। तो आप इसे ट्राई कीजिए। हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आने पे प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।